नमस्कार दोस्तों, क्रिएटिव मैथमेटिक्स इस चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज हम देखने वाले हैं मैथमेटिक पार्ट वन में से फर्स्ट सेकंड चैप्टर, जिसका नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और उसमें से प्रैक्टिस सेट नंबर 2.1 आज हम देखने वाले हैं। ओके, इसके पहले हमने प्रैक्टिस सेट नंबर 1.1, 1.2, 1.3, 4, 5 पे वीडियो बनाए हैं। वो वीडियो अगर आप देखना चाहते हो तो इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने उन वीडियो के लिंक दिए हैं। ओके, तो इस वीडियो के नीचे दिए हुए डिस्क्रिप्शन में जाकर आप वह वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, तो अभी हम देखते हैं मैथमेटिकल पार्ट वन में से जो प्रैक्टिस सेट नंबर 2.1 है। देखो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो पहला क्वेश्चन हमें पूछा है 2.1 में से कि राइट एनी टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इसमें से हमें खाली टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखाने हैं, कौन से भी। तो इसका आंसर हर एक बच्चे का, हर एक बंदे का अलग अलग आ सकता है। ओके, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखो, कोई भी मनचाहा आपके मन में जो इक्वेशन आपको लिखना है तो उस इक्वेशन को क्या कर सकते हो, आप लिख सकते हो। तो मैं यहाँ कुछ इक्वेशन लिखता हूँ। देखो, पहला इक्वेशन लिखता हूँ एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5, ये लिखा इज इक्वल टू 0, ये एक वन लिखा। और कुछ लिखता हो, चलो दूसरा लिखता हो, y के हिसाब से लिखता हो, y स्क्वायर प्लस 9y प्लस 7 इज इक्वल टू 0। और मैं तीसरा भी लिख सकता हूँ z में, 2z स्क्वायर या फिर 2m स्क्वायर प्लस 5m प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो बहुत सारे आंसर आप लिख सकते हो, बहुत सारे इनफाइनाइट इक्वेशन जो है वो आप लिख सकते हो इस प्रकार के क्वेश्चन में। तो बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। अभी सेकंड नंबर का जो क्वेश्चन है वो भी बहुत ईजी है, टेंशन लेने का नहीं, देने का नहीं, आराम से सॉल्व करने का। देखो क्या है, डिसाइड विच ऑफ द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। डिसाइड करना है नीचे दिए हुए इक्वेशन में से कौन सा इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और कौन सा नहीं है, ये खाली डिसाइड करना है। बहुत ही आसानी से आप डिसाइड कर सकते हो। ओके, तो देखो, पहला दिया है एक्स स्क्वायर प्लस 5x - 2 इज इक्वल टू 0। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन किसे कहते हैं ये पहले मालूम चाहिए, जिसका हायर इंडेक्स 2 है। जिसका हायर इंडेक्स बोले तो टोपी, जो सिर के ऊपर का जो इंडेक्स रहता ना, वो सबसे ज़्यादा बड़ा 2 है। 2 से छोटा भी नहीं चाहिए और 2 से बड़ा भी नहीं चाहिए। x का क्यूब भी नहीं चलेगा और ओनली x भी नहीं चलेगा, 2 बड़ा भाई चाहिए, उससे छोटा भी नहीं चाहिए और उसके बड़ा भी नहीं चाहिए। तो देखो, एक्स स्क्वायर यहाँ हायर इंडेक्स जो है वो 2 है। तो ये जो है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, हम कह सकते हैं। खाली लिखने के लिए हमें एक तरीका है लिखने का, उस तरीके से हमें लिखना पड़ेगा कि बाबा ऐसा लिखने का कि यहाँ इस प्रकार के क्वेश्चन में हम लिख सकते हैं कि बाबा इंडेक्स ऑफ द वेरिएबल, मैक्सिमम इंडेक्स हम कहते हैं, मैक्सिमम इंडेक्स ऑफ वेरिएबल इज इक्वल टू 2 है। सो देयरफॉर गिवन इक्वेशन इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इसे हम क्या कहेंगे, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ओके, अगर हायर इंडेक्स, मैक्सिमम इंडेक्स 2 से बड़ा होता या फिर 2 से छोटा होता तो उसे हम नहीं कहते क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देखो, अगला जो क्वेश्चन है हमारे पास, सेकंड नंबर का इक्वेशन दिया है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 5y - 10। यहाँ भी देखिए, हायर इंडेक्स 2 है, मैक्सिमम इंडेक्स 2 है, 2 से बड़ा कोई नहीं है। ओके, तो देयरफॉर हम लिख सकते हैं यहाँ भी हमारे पास मैक्सिमम इंडेक्स ऑफ वेरिएबल इज इक्वल टू 2। सो देयरफॉर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 5y - 10 इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो कि बाबा गिवन इक्वेशन इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो एकदम आसान है, तकरीबन 6 क्वेश्चन इसके अंदर दिए हैं। हम ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन ये सेकंड नंबर के क्वेश्चन में से लेने का प्रयास करेंगे। ओके, देखो, अभी थर्ड नंबर का जो इक्वेशन मेरे पास दिया है कि वाई स्क्वायर प्लस 1/y इज इक्वल टू 2। तो यहाँ देखो, यहाँ गफलत हो सकती है, गड़बड़ हो सकती है। तो हम कभी कभी क्या होता है कि हम जो आँखों से देखते हैं वो नहीं होता, कुछ अलग होता है। तो उसी तरह का ये क्वेश्चन है, यहाँ वाई स्क्वायर दिया है, बट एक प्रॉब्लम है बेटा, यहाँ नीचे जो y है ना उसको पहले हटाने का, और उसके बाद जो इक्वेशन है जो बनेगा तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं वो बताने का। तो फिलहाल तो हम ये नीचे वाला y मेरे को कैंसिल करना है, उसे मेरे को एलिमिनेट करना है। अगर नीचे होगा
तो प्रॉब्लम है। तो उसको कैंसिल करने के लिए मेरे को सबको वाई से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो मैं क्या करूँगा, सबको वाई से मल्टीप्लाई करूँगा, वाई स्क्वायर इंटू वाई करूँगा, ओके, प्लस वाई इंटू वन अपन वाई करूँगा इज इक्वल टू टू इंटू वाई, सबको वाई से मल्टीप्लाई किया। तो y से मल्टीप्लाई करने के बाद यहाँ वाई स्क्वायर इंटू वाई वाई का क्यूब आया, ये y भाई साहब कैंसिल हो गए, प्लस वन रह गया इज इक्वल टू टू इंटू वाई टू वाई। अब मेरे को बताओ कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है का नहीं है अभी ये, ओके। तो डायरेक्ट ऐसे नहीं बताने का, जब कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन उसके स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं होता तो उसको पहले उसके स्टैंडर्ड फॉर्म में एक लाइन में बनाने का। तो यहाँ हम लिखेंगे कि बाबा मैक्सिमम इंडेक्स जो है, मैक्सिमम इंडेक्स इज इक्वल टू थ्री, सो देयर फोर गिवन इक्वेशन इज नॉट क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये क्यूबिक हो गया ना भाई, क्यूब है तो ये क्यूबिक इक्वेशन कह सकते इसे। फोर्थ नंबर का क्वेश्चन मेरे पास है, देखो x प्लस वन अपॉन एक्स इज इक्वल टू निगेटिव टू। यहाँ भी पहले नीचे वाला x कैंसिल करो, अभी ऐसे तो देखता है कि बाबा ये नहीं है, लेकिन जो नहीं होता वही होता है। देखो सबको अगर मैं x से मल्टीप्लाई करता हूँ, ये नीचे के x को मेरे को पहले कैंसिल करना पड़ेगा, इसलिए मैं सभी ये इक्वेशन को, पूरे इक्वेशन को मैं x से मल्टीप्लाई करूँगा, ओके। तो x इंटू एक्स प्लस एक्स इंटू वन अपॉन एक्स इज इक्वल टू निगेटिव टू इंटू एक्स, सबको मैं x से मल्टीप्लाई किया। तो सबको x से मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आया, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर प्लस एक्स एक्स कैंसिल, ओनली वन रह गया और निगेटिव टू इंटू एक्स निगेटिव टू एक्स, ओके। सो देयर फोर एक्स स्क्वायर अपने जगह पे निगेटिव टू ये बाजू में आया, पॉजिटिव टू एक्स और ये प्लस वन अपने जगह पे इज इक्वल टू जीरो। तो अभी मेरे को बताओ यहाँ मैक्सिमम इंडेक्स क्या है, टू है, एकदम राइट। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि देयर फोर मैक्सिमम इंडेक्स इज इक्वल टू टू। सो देयर फोर गिवन इक्वेशन इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन एकदम आसान है इक्वेशन, ओके। तो ये बहुत ही ईजी है, आसान सवाल है, आपको आएगा 100%। अभी दो जो क्वेश्चन है वो प्लीज़ आप ट्राई कीजिए, आप भी उसका आंसर अच्छी तरह से निकाल सकते हैं। तो इसके बाद जो थर्ड नंबर का जो क्वेश्चन है उसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे। यस, थैंक यू।